गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत साहू, योर केमिस्ट्री टीचर। जो लॉकडाउन पीरियड रे आम समस्ते घरे अच्छे, तो ये घरे थिवा अवस्था रे इंस्टीट्यूशन सब बंद अच्छी। इंस्टीट्यूशन बंद थिवा समय रे आम पढ़ेबा डिफिकल्ट होची, तो आम समस्ते ये घरे थाई तम चैप्टर रिलेटेड किसी वीडियो आम अपलोड करूँ यूट्यूब रे। आ जिते सब नोट्स अच्छी आम पीडीएफ फॉर्मेट रे तुम व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करूचु। नोट्स को पिला माने क्लियरली लिखिबो, वीडियो को दुई तीन थर भल भाव देखिबो, बुझिबा को चेष्टा करिबो। जदि तापर भी कौन से डाउट रुहे, यूट्यूब रे आम जो लिंक तुमको देथिबु वीडियो देखिबो, ता तळे पिला माने कमेंट बॉक्स रे डाउटटा मते निश्चिंत भाव रे डाउटटा लिखिकि पठेइबो कि सार ए गोटे को मोर डाउट अछि। सो दैट से कमेंट सेक्शन को जाइ मुँ तुम डाउटा को क्लीयर करने चेष्टा करी। तो आज पिला मैंने केमिस्ट्री गोटे रॉयल चैप्टर पढ़ा। केमिस्ट्री नॉर्मली आम सेकेंड इयर पिला मैंने तुम तीन टा चैप्टर अच्छी, सरी तीन टा यूनिट अच्छी। गोटे हूँ फिजिकल, सेकेंड वन इज इनऑर्गानिक, थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। तो फिजिकल चैप्टर रहा मैंने पढ़ा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर। तो गोटे रॉयल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग चैप्टर, बोरिंग चैप्टर नुहे, गोटे बुझा चैप्टर। स्पेशियली इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर पे पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरियस केमिकल रिएक्शंस और वेरियस केमिकल चेंजेस। नॉर्मली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of production of electricity from different chemical energy and various interconversion between them. That means chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिला आम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उपरे पढ़ीबा। तो तापूर्व जीवा पूर्वरु आम स्पेशियली एठी पिला गोटे मेन रिएक्शन गोटे अच्छी रिडक्स रिएक्शन। होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन रिडक्स रिएक्शन, स्पोंटेनियस केमिकल रिएक्शन। तो से रिडक्स रिएक्शन उपरे आम पढ़ा। ता पूर्व पे कि बेसिक टर्म आसोसीएटेड हुए कि अच्छी आम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सहित से बेसिक टर्म उपरे पे कि जानवा। तो बेसिक टर्म कहले पे फास्ट आम जा कंडक्टर। तो कंडक्टर पिला माने कौन, कंडक्टर कहले आम जाने सुपरिवाही जे कि इलेक्ट्रिक करेन्ट और हिट की पिला माने क्यारि करिपारे। एनी सबस्टांस आर एनी ऑब्जेक्ट व्हिच कैन कंडक्ट हिट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड साउंड इज नोन आज कंडक्टर। जेकोसी सबस्टांस पिला माने जे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यारि करिपारिव, साउंड को क्यारि करिपारिव, लाइट की क्यारि करिपारिव, एमानक पिला माने आम गोटे कौन कह कंडक्टर। तो जेन्युइन पिला माने जो कहे कंडक्टर बा सुपरिवाही, कंडक्टर इज अफ टू टाइप्स, दैट इज मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो पिला माने फास्ट आम जा मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर। फास्ट वन को पिला माने आम जा मेटालिक कंडक्टर। The metals which conduct electricity due to the flow of electrons is known as metallic conductor or electronic conductor. The metals like silver, copper, aluminium, these are the common examples of metallic conductor. E metal mane pila ne electron manu ko amara carry kari paranti. इमाने कहीं इलेक्ट्रोन मान को क्यारि करती ना इन पाखे पे आईदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रोन थाए कि इनकम्प्लीट भैलेन्सी सेल इलेक्ट्रोन थाए। तो से इलेक्ट्रोन मान को क्यारि करती गोटे सुपरिवाही रूप से गोटे कंडक्टर रूप से कार्य करती, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर जिते सब मेटालिक कंडक्टर रही भितर पे बेस्ट मेटालिक कंडक्टर हूँ सिल्वर, तापर पे आस कपर यू आम आसीजे। तो भितर बेस्ट हूँ कि आम आस सिल्वर ही आसपर पे जा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
सेकेंड मान को जीवा में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू दे आर फ्यूज्ड स्टेट और एक्वियस स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो सब्सटेंस टी पिला माने तार एक्वियस सॉल्यूशन व्हाट इज एक्वियस सॉल्यूशन ना एडिशन ऑफ वाटर बा माने गोटे पिला गोटे एग्जाम्पल नमा में सोडियम क्लोराइड NaCl NaCl गोटे पिला मान हूँ सल्ट तार प्योर स्टेट रे से इलेक्ट्रिक करेंट क्यारि करपर ना तो तार को स्टेट रे से इलेक्ट्रिक करेंट क्यारि कर ना तार एक्वियस सॉल्यूशन रे कर फ्यूज स्टेट रे कर को स्टेट रे फ्यूज स्टेट रे तेणुकर सोडियम क्लोराइड तार फ्यूज स्टेट एक्वियस सॉल्यूशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर तो एनी सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज स्टेट और एक्वियस स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो जो कंडक्टर टी पिला तार एक्वियस सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रिक करेंट को क्यारि करपर ताको आम कौन कह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एठी पिला माने कौन होची ना मेटालिक कंडक्टर रे मु तमो कहि नथिलि मेटालिक कंडक्टर रे सेठी पिला माने केमिकल चेंज किछि हबो नाही किंतु एठी पिला माने कौन हबो सेठी पिला माने किछि मेटालिक कंडक्टर रे किछि केमिकल चेंज रो चेंज हबो नी किंतु एठी जतळे आमे जीवा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रे पिला माने एठी हमरो केमिकल चेंज रे परिवर्तन हबो तो गोटे एग्जाम्पल नबा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ All types of acids, base and salts. These are the examples of electrolytic conductor. जो मैंने कि तर aqueous solution रे इलेक्ट्रॉन मानको बा इलेक्ट्रिसिटी की क्यारि करी पारिबे तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन पिलावना हमें जानिबा इलेक्ट्रोलाइट्स जानला हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जानले तो पूर्व हमें जान जा इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट कौन आउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन तो सारी दबा नॉन कंडक्टर कौन द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज नॉन कंडक्टर कौन सी हालत रे पिला माने जे इलेक्ट्रिसिटी की क्यारि करि परिबो नाही से मानु आमे कहिबा नॉन कंडक्टर ऑल टाइप्स एग्जांपल आमे दबा पिला माने ऑल टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स जते सब पिला माने नॉन मेटल रहिले दे आर बैड कंडक्टर टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन कंडक्टर से मानु आमे कौन कहिबा ना नॉन कंडक्टर कहिबा तो पिलाने आम कम पढ़ले कंडक्टेंस पढ़ले कंडक्टर पढ़ले कंडक्टर पिलाने दुई प्रकार गोटे हूँ मेटालिक और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर तो फास्ट गले आम मेटालिक कंडक्टर बा इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर पढ़ले सेकेंड वन रे कम पढ़ले आम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर नॉन कंडक्टर कौन जानले बर्तमान पिलाने आम जीवा इलेक्ट्रोलाइट्स कौन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट पिलाने में कहिबा द इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंस व्हिच कैरी इलेक्ट्रिक करेंट इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स जो सब्सटेंस पिला माने तार एक्वियस सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रिक करेंट को क्यारि करि परिबो ताको हमें कौन कहिबा इलेक्ट्रोलाइट्स आम एग्जांपल पिला माने प्रीवियसली दे सारी ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस आउ सॉल्ट्स एसिड बेस एंड सॉल्ट्स तो पिला माने ये जो इलेक्ट्रोलाइट आम पढ़ुचे ये मध्ये दुई प्रकार अछि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पिला माने तमे जेंति पाठ पढ़ुचो पाठ पढ़िया भितर सब पिला भी एट ए टाइम कैच करि पारु न समस्तंगर ब्रेन डिफरेंट अछि के थरे करे मन रखुचि के दि थरे मन रखुचि के दस थरे मन रखुचि तो किए फास्ट मन रखिले किए विक मन रखुचे तो से भाई पिलाने आम जो कंडक्टिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइट मानक अच्छी तो पिलाने दुई प्रकार आसवे गोटे हूँ स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड वन इज विक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रंग एंड विक तो फर्स्ट वन जी स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट किए द सब्सटेंस द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट into ions in its aqueous solution and conduct electricity is known as strong electrolyte and its degree of dissociation value is equal nearly equal to 1 tamane pilana ara high degree of ionization or high degree of dissociation value thibo kahara na strong electrolyte
स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट माने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयन को जो पाने वाटर में पकेवा मन कर एनएसएल को लेकिन पकेली सोडियम क्लोराइड को लेकिन वाटर में पकेली लुण को नहीं पानी में पकेली गोटे सल्ट सल्यूशन या कौन हो एनए प्लस हो जाए सीएल माइनस हो जाए तो मैंने एनएटा संपूर्ण भाव भांगू का भांगी जा सीएल ठार भांग अलग हो जाए सीएल एनए ठार अलग हो जाए अर्थात मन कर मुझे दसटा पिला मैंने सोडियम क्लोराइड नेली टेन मोल रहीगली दसटा नेली दसटा को जो ने पाने से कौन हम ना दसटा एनए प्लस बाहर दसटा सीएल माइनस तो मैंने इक्वाल नंबर अफ पजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन प्रड्यूस्ड इन द एक्यूज सल्यूशन तो मैंने जो स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट से पाने इक्वाल नंबर अफ कैटायन एंड आनायन्स प्रड्यूस कर कौटी ना तार आक्यूज सल्यूसन आर डिग्री अफ डिसोसीएसन भैल्यू इज नियरली इक्वाल टू वन तो आम कौन कह स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट्स पे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर पे किए किए जी ना स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट अंडर ऑल टाइप्स अफ स्ट्रंग एसीड्स लाइक एसीएल एच टू एसओ फोर एच एन ओ थ्री एटसेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल्स अफ स्ट्रंग एसीड्स जो मैंने कि पे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट हो पारे मुझे तुमको कही प्योर एसीएल टाइम नब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास कर इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यारि करें से केत इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यारि कर तार आयन फर्म पे क्यारि करते तार आयन फर्म जो पे एसीएल टाइम वाटर में पकेवा से कौन दब एच प्लस सीएल माइनस तो आयन फर्निश करेंगे आयन मान इलेक्ट्रिक करेन्ट टाइम क्यारि करेंगे तो स्ट्रंग एसीड्स स्ट्रंग बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉरी स्ट्रंग बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रंग बेसेस जो मैंने कि पे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट भाव में यूज करपर आउ किए रही स्ट्रंग सॉल्ट्स लाइक एनएसीएल केसीएल केएनओ थ्री एटसेट्रा दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रंग एसिड्स स्ट्रंग सॉल्ट्स सॉल्ट्स तो नॉर्मली जेनुअली जो डे टू डे लाइफ रे पिला हमें यूज करचे आ नॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जोटा भी हम लैब रे अवेलेबल अच्छी तो जिते प्रकार सॉल्ट रहिले सॉल्ट भीतर पिला ने वीक स्ट्रंग किछ न थाय हमर एसिड आ बेस भीतर स्ट्रंग एसिड आ वीक एसिड देखुचे तो ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रंग एसिड्स आर स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रंग बेसेस आर स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट्स आउ जिते पिला हमें सॉल्ट रहिले सोडियम क्लोराइड हो पारे पोटासियम क्लोराइड हो पारे पोटासियम हाइड्राइड हो पारे जिते प्रकार सोडियम कार्बोनेट हो पारे जिते प्रकार सब पे सॉल्ट रहिले से सब गोटे गोटे कौन स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट आम पे ना जावा विक् इलेक्ट्रोलाइट द केमिकल सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इनटू आयन्स इन इट्स एक्यूज सल्यूशन एंड इट्स डिसोसिएशन भैल्यू इज लेस दैन वन इज लेस दैन वन सॉरी ग्रेटर दैन वन इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या कहवा ना जो सब्सटेंस टी जो केमिकल सब्सटेंस एक्यूज सल्यूशन रे कंप्लीटली आयन रे परिणत हो कंप्लीटली डिसोसिएट हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू इज लेस देन वन अर्थात अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू इज अल्फा अल्फा इज लेस देन वन देन द इलेक्ट्रोलाइट्स इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देन ऑल टाइप्स ऑफ वीक एसिड्स weak bases are the examples of weak electrolyte some common pilan example de daba weak acid kahile acetic acid naba pila mane amar jota rahila oxalic acid naba these are the weak acids emanu ka ame kahiba weak acids to ei weak acid jo rahile ye sab pilan gote gote example kahara na weak electrolyte tapar jiba weak bases kahile pilan amar ki na ammonium hydroxide calcium hydroxide ye sab pilan amar jibe वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडर एगर सब गोटे गोटे वीक बेस तो पे जान लें स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट तापर पे जा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहले पे कौन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहले पे कौन ना इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ ए मोल
of the reactant that underwent dissociation. मनेकर गोटे सल्यूशन पे नवा गोटे सल्यूशन करवा मनेकर पे वन मोल सोडियम क्लोराइड वाटर रे पकेली गोटे मोल सोडियम क्लोराइड पकेली तो से गोटे मोल रु पे के डिजल्व है जी परिमाण डिजल्व है तार दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नॉर्मली पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहले के सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट भितर डिजल्व है तो सेटा को हमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉर्मली पिला माने हमें कैलकुलेट करिबा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मानकर पिला माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1 मागुरु कहि सारिछि जते सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहिले स्ट्रांग एसिड्स हेथांदु स्ट्रांग बेस हेथांदु तो से मानकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू पिला माने मन रखिदा 1 तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वैल्यू हमें कहार बाहर करिबा ना वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो तार पिलाने गोटे फॉर्मूला अच्छी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन तो से सॉल्यूशन भितरे टोटल केते मॉलिक्यूल अछंती से टोटल केते मॉलिक्यूल रु पिला ने केतेटा मॉलिक्यूल आयन रे परिणत हेचंदी दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन माने कर पिला ने मु नेबी 100 मोल रा एसिटिक एसिड नेबी एसिटिक एसिड ता पिला ने हम जानि जे उडा वीक एसिड तो ताकु जे तोले ने मु वाटर रे पगे से कंप्लीटली डिसोसिएट हबन तो 100 मोल एसिटिक एसिड रु एडी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केते हेले 100 एडी 100 रु केतेटा पिला माने डिजॉल्व हेले बा केतेटा सॉरी केतेटा आयन रे परिणत हेले स्प्लिटेड इनटू आयंस दैट इज नोन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड इनटू आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ वीक इलेक्ट्रोलाइट मानकर मेन बेसिक डिफरेंस होउची पिला माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गोटे नै परबा पॉइंट जोटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द्वारा आमे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ वीक इलेक्ट्रोलाइट मान को आमे कैलकुलेट करी पारिबा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मान डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू केते पिला माने ना अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 व्हेयर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू इज लेस देन 1 तापर पिलाने आमे जीवा जोटा बेसिक फंडामेंटल अछि हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर रो और रिडॉक्स रिएक्शन तो फर्स्ट हमें जानिबा व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट ए टाइम और साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन तो रिडक्स रिएक्शन पे क्या कह जो रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एका समय दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एका समय रे एका समय रे घटु ताक पे कह रिडक्स रिएक्शन तो गोटे पे एग्जांपल आम नवा रिडक्स रिएक्शन र मनेकर पिलाने नवा सोडियम क्लोराइड मनेकर पिलाने में नवा सोडियम क्लोराइड रा फॉर्मेशन मनेकर नवा Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स राइज टू NaSl अर्थात गोटे मोल रहा आमे नवा Na गोटे मोल रहा मॉलिकुलर फॉर्मूला में लिखिले हाफ Cl2 अर्थात गोटे मात्र Cl Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स राइज टू NaSl तो ये पिला माने ऑक्सीडेशन कौटी हो रिडक्शन कौटी होटी पिला माने सोडियम पाखे गोटे एक्सेस इलेक्ट्रॉन अच्छी तार आउटर मसल गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेस अच्छी तो सोडियम ये कौन कर गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर Na माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Na प्लस आम जानचे जे पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर
સટી પેલાવાનું ઓક્સિડેશન હોવો, એને માઇનસ વન ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એને પ્લસ. સેકન્ડ કેસ્રે કણ હવા પેલાવાને સીએલ અછી, હાફ સીએલ ટુ મીન ગોટે સીએલ, સીએલ પ્લસ વન ઇલેક્ટ્રોન. એ જો પ્લસ વન ઇલેક્ટ્રોનટા કોઉઠુ આસીબો ના એને પેલા મને જોઉટા દેલા જો ઇલેક્ટ્રોનટા સે ઇલેક્ટ્રોનટાકુ આસેપ્ટ કરીબો કીએ ના સીએલ. ત સીએલ માઇનસ પ્લસ વન ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ સીએલ, દેટ મીન્સ એને પ્લસ સીએલ, દેટ મીન્સ એને પ્લસ સીએલ માઇનસ. સીએલ માઇનસ કેતેવેળે હવ ના સીએલ ગોટે ઇલેક્ટ્રોન ગેન કલા પરે માઇનસ બુજીવો, તલે એઠી એને પ્લસ એને માઇનસ વન ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એને પ્લસ. તળે કોણ આમે પેલાને લખીવા સીએલ પ્લસ વન ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ સીએલ માઇનસ, અર્થાત એને પ્લસ પ્લસ સીએલ માઇનસ ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એને સીએલ. તો એઠી એને કેસ્રે કોણ આવેલા, કોણ આવેલા પેલાને ઓક્સિડેશન હેલા, એઠી સીએલ કેસ્રે કોણ આવેલા રિડક્શન. તો ગોટે રિએક્શન ભીતરે સૌવળે પેલાને મને રખીદા ઓક્સિડેશન હુએ આઝ વેલ આઝ રિડક્શન હોય. ઓક્સિડેશન મીન્સ લસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, રિડક્શન મીન્સ ગેન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો રિડક્સ રિએક્શન કન્ટેન્સ ટુ હાફ રિએક્શન્સ, દેટ ઇઝ ઓક્સિડેશન રિએક્શન, સેકન્ડ વન ઇઝ રિડક્શન રિએક્શન. તો ફાર્સ્ટ વન કુ આમે પેલાને જીવા રિડક્સ રિએક્શન ફાર્સ્ટ અંડર પડીવા. ઓક્સિડેશન કણ, વોટ ઇઝ ઓક્સિડેશન? ઓક્સિડેશન પેલાને કહીલે ઇટ ઇઝ એ પ્રોસેસ ઇન વિચ ઇન્વોલ્વ્સ ઇન્વોલ્વ્સ લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન બાય એન એટમ ઇઝ નોન એઝ ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશનરે કણ હુએ ના ગોટે આટમ દ્વારા ગોટે ઇલેક્ટ્રોન લસ હુએ, સે જો ઇલેક્ટ્રોનટા પેલાને લસ હબ તાકુ આઉ જણે કે રિસીવ કરીબ, બુઝી હોજી જી તાકુ ગ્રહણ કલા તાલે તાકુ આમે કણ કહીવા રિડક્શન. તો ઓક્સિડેશન ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઇન વિચ ઇન્વોલ્વ્સ ધ લસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ બાય એન એટમ ઇઝ નોન એઝ ઓક્સિડેશન. એક્ઝામ્પલ પેલાને આમે નવા એન એ માઇનસ વન ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એન એ પ્લસ, સિમિલરલી એમ જી માઇનસ ટુ ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એમ જી ટુ પ્લસ, એલ એલ્યુમિનિયમ માઇનસ થ્રી ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ રાઇઝ ટુ એલ થ્રી પ્લસ. અર્થાત એલ્યુમિનિયમ એઠી પેલાને તીનટા ઇલેક્ટ્રોન લસ કરીકે કોઉઠીકી જીવ ના એલ થ્રી પ્લસ કુ જીવ, એલ થ્રી પ્લસ. તો તાપરે પેલાને આમે જીવા રિડક્શન. રિડક્શન મીન્સ કણ? Reduction, it is a process in which involves the gain of electrons by an atom or ion or molecule. Goda atom dara hei pare, goda ion dara hei pare, pilana goda molecule dara madhya hei pare. Ji pilana goda electron ko grahan kariba, accept kariba, se process ta ko pilana ame kahiba reduction process. The important reaction pilana hoche amara oxidation, reduction. દુઇટાકર કમ્બિનેશનરે બા દુઇટાક જતોળે એટ એ ટાઈમ હબ એકા સમયરે હબ સેટાક આમે પિલાને કહીવા રિડક્સ રિએક્શન. તલે આમે પિલાને આજીર ક્લાસ રેંક કોમ પડીલે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી, સમ બેસિક ટર્મ દેટ ઇઝ ધ કન્ડક્ટર, ટાઈપ્સ ઓફ કન્ડક્ટર દેટ ઇઝ મેટાલિક ઓર ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ડક્ટર, સેકન્ડ વન રે ઇલેક્ટ્રોલિટી કન્ડક્ટર, તાપરે નન કન્ડક્ટર કોણ જાણીલે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ દેટ ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, આકુ મધ્ય પેલાને જાણીલે, નન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કહીલે કણ, નન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છાડી જઈ, વોટ ઇઝ નન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ? ધ સબસ્ટન્સ વિચ ડુ નોટ કેરી ઇલેક્ટ્રિક કરેન્ટ ઇઝ નોન એઝ, ડુ નોટ કેરી ઇલેક્ટ્રિક કરેન્ટ ઇન ઇટ્સ એક્યુઅસ સ્ટેટ ઇઝ નોન એઝ નન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. તો સ્પેશિયલી અમે સ્ટ્રોંગ આ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પેલાને અમે તાકુ કહું. તો સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કોણ જાણીલે, જ્યારે ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન વેલ્યુ ગ્રેટર દેન વન ઓર નિયરલી ઇક્વલ ટુ વન. તો ઇન કેસ ઓફ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ધ ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન વેલ્યુ ઇઝ લેસ દેન વન. તાપરે પેલાને આમે ગલે રિડક્સ રિએક્શન. તો રિડક્સ રિએક્શન જોડેકે પેલાને ઇમ્પોર્ટાન્ટ રિએક્શન. રિડક્સ રિએક્શનરે આમે જાણીલે રિડક્સ રિએક્શન ઇઝ એ કોમ્બિનેશન ઓફ ટુ હાફ reactions, that is oxidation and reduction. Oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron. The next class re pila name padhiba oxidizing agent or reducing agent. Bye bye.